और चलिए आपको लिए चलते हैं रतिया, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। को कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। कई व्यक्ति तो इलाज नहीं पैसे के अभाव में करा पाते थे, परंतु इस पीड़ा को भी अगर किसी व्यक्ति ने समझा है, हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने समझा है, एक योजनाबद्ध तरीके से आयुष्मान कार्ड और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसके अंदर चिरायु कार्ड जोड़ करके हरियाणा के 125 करोड़ लोगों को भाइयों इस योजना के साथ जोड़ा है और 5 लाख रुपए का अधिकार उसको दिया है कि अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है तो सिर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। वो पैसे के अभाव के कारण या बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे ना जाए, इसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। भाइयों मुझे खुशी है, ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं, लगातार जब चुनाव आता था ये बोलते थे चुनाव के समय गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी। ये नरेंद्र मोदी है जिसने गरीबों के हित के अंदर ये मजबूती से काम किया है। आज मुझे ये फख्र होता है आप लोगों के बीच में बताते हुए, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई कि देश के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों हम देखते थे देश के अंदर 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने बैंक में जाकर के नहीं देखा, परंतु नरेंद्र मोदी जी की ये सोच थी और उन्होंने योजना बनाई, जन धन खाता योजना बना करके उन लोगों को बैंक के साथ जोड़ने का काम किया। यही वो कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने इस योजना का उपहास उड़ाने का काम किया। और ये राहुल गांधी साहब ने भी ये दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी जी आप खाता खोल रहे हैं, इसमें पैसा कौन जमा करेगा। परंतु ये कांग्रेस के लोगों की सोच थी कि उन लोगों को बैंक के अंदर जाने का भी अधिकार नहीं था, यह अधिकार ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि 45 हमारे 50 करोड़ लोग जिनका जनधन खाते से जोड़ करके उनको बैंक में जाने का अधिकार दिया है। आज उन्होंने अपनी छोटी बचत इसके अंदर जमा करके वो कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि वो भी देख ले, ये तो ऑनलाइन है, कितना पैसा उन्होंने इसके अंदर जमा किया है। भाइयों यह अधिकार ये अगर दिया है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। भाइयों मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों वो चिंता की है कि हमारी माताएं बहनें वो शाम कर ढलने का इंतजार करती थी और उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। देश के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना करके उनको इज्जत घर देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों मुझे खुशी है कि हमारी वो माताएं बहनें आज इस बात को देश भी भूला नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार के अंदर था, हम सब जानते हैं कि अगर हमें एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था 3 दिन तक हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ता था तब जाकर के गैस का सिलेंडर उपलब्ध होता था। आज नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस लाइन को तो खत्म किया परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर और कनेक्शन नहीं था। ये सोच अगर किसी की थी, ये नरेंद्र मोदी की सोच थी कि हमारी माता बहन की आंखें धुएं से खराब ना हो, उसकी व्यवस्था ये अलग से योजना बना करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ जोड़ करके भाइयों उन तक गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों इन्हीं 10 वर्षों के अंदर की है। मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के हित के अंदर काम किए हैं, एक काम नहीं किया, हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी जी ने मजबूती से उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भाइयों उसके साथ जोड़ करके 12.5 करोड़
देश के किसानों के खाते के अंदर हर वर्ष 6,000 रुपए पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आज 1,00,000 करोड़ से ज्यादा पैसा किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, जो लोग आज इस बात को लेकर के वो सवाल उठाते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या काम किए हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, एक कांग्रेस के लोग एक झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रामक स्थिति पैदा करने का काम करते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी डबल इंजन की सरकार ने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, और उस योजना के माध्यम से भाइयों इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आप पिछला भी 10 वर्षों का कांग्रेस के कार्यकाल का आप मुआवजा देखिए कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी मात्र 1,100 करोड़ रुपया उन्होंने मुआवजा दिया, और हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाई, और इस डबल इंजन की सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर मुआवजे का पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आज किसान को इस बात की चिंता नहीं कि अगर उसकी फसल का खराबा होता है तो उसका मुआवजा सरकार पहुंचाने का काम उसके खाते के अंदर करती है। अभी मुझे बताया भी गया था कि यहाँ पर 2021 का कुछ मुआवजा उसके अंदर कोई टेक्निकल दिक्कत वो आई थी, परंतु उस टेक्निकल दिक्कत को भी दुरुस्त करके हमारी ये सरकार, ये किसानों के हित की सरकार है, उन तक उस मुआवजे को भी पहुंचाने का काम वो किया जाएगा। कोई भी किसान, क्योंकि इस बात को लेकर के जो हमारी सरकार ने किया है, मैं उसके ऊपर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये पहली बार है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आदरणीय हमारी डबल इंजन की सरकार ने भाइयों किसानों के हित में, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, आज उसके ऊपर भी सब्सिडी दे करके लगभग किसान की जो पैदावार जमीन है उसको ज्यादा पानी देने का काम हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आज मेरा किसान ज्यादा पैदावार कर रहा है और उसको सब्सिडी के ऊपर स्प्रिंगल वाटर से और उसको ड्रिप इरिगेशन से उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान को मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर हम सब ने देखा कि अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी अगर किसी सरकार ने की है वो हमारी सरकार ने की है, और उसके साथ साथ किसानों को जो सब्सिडी के ऊपर चाहे वो रूटावीटर ले, चाहे वो एरो ले, चाहे वो रिपर ले, वो इन सब को भी चाहे ट्रैक्टर ले, ये पहली बार है कि सब्सिडी के ऊपर उनको उपलब्ध कराने का काम भी ये हमारी सरकार ने भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जल लगातार ये सोच रही है कि किसानों की आय उनकी बढ़े, उनके खर्चे कम हो, उसको लेकर के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में एक और बात कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस के लोग थे 2009-2010 इस समय के अंदर जब ये यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के अंदर यूरिया के भाव वो डबल हो गए थे, डीएपी के भाव डबल हो गए थे, परंतु ये कांग्रेस की सरकार ये हमारे किसानों को वही 1200 रुपए का थैला जो उसके भाव डबल 3 गुना हुए थे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर, उतने ही भाव के अंदर मेरे किसान उस यूरिया डीएपी को खरीदते थे, परंतु इन्होंने कम नहीं किया। आज भी उसके अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2024 के अंदर ये भाव डबल हुए हैं, परंतु नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर बैठा है, किसान हित के अंदर उन्होंने फैसला लिया, कैबिनेट के अंदर फैसला लिया कि जितना भाव के अंदर किसान को यूरिया या उसको डीएपी मिलता है
उसी भाव के अंदर मिलेगा, उसके ऊपर जो भी खर्चा है उसकी सब्सिडी वह हमारी सरकार देगी, किसान के ऊपर वो वजन नहीं पड़ेगा। आप इस बात को भी हमने समझना होगा कि हमारी सरकार कितनी चिंता वो लोगों की करती है। और उसके साथ साथ मैं तो ये बात बोलता हूं कि कांग्रेस की सरकार पीछे राजस्थान में भी रही है, पंजाब के अंदर भी कांग्रेस की सरकार रही है, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने योजना बनाई कि हमारे किसान की 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने का काम करेंगे, किसान को भावांतर भरपाई देने का काम करेंगे। भाइयों, परंतु कांग्रेस की सरकार पंजाब में रही है, राजस्थान में रही है, दो फसलें जो केंद्र खरीदता था, धान की और गेहूं की, वो केंद्र खरीदता था, एक भी फसल किसान की MSP पर नहीं खरीदी। भाइयों, आपके पड़ोस में है, परंतु ये काम अगर किसी ने किया है किसानों के हित के अंदर, ये हमारी सरकार ने किया है। उनको फसल को MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। ये कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि MSP को बंद कर दिया जाएगा, परंतु लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार हर बार MSP को बढ़ा करके किसान तक पहुंचाने का काम कर रही है। गन्ने के भाव के अंदर भी लगातार बढ़ोतरी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, चाहे हम हरियाणा के सिस्टम की बात करें, अगर हम देखें हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण वो प्रस्तुत किया है। नहीं तो पहले 2014 से पहले अगर एक बच्चे को भी नौकरी लगवानी होती थी तो पूरा गांव भाइयों चक्कर काटता था, किसी मंत्री के पास जाता था, किसी विधायक के पास जाता था, परंतु ऐसा सिस्टम बनाने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने वो किया है। भाइयों, आज गरीब माँ का बेटा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहा है। ये व्यवस्था अगर किसी ने की है ये हमारी सरकार ने की है। भाइयों, ये लोग जो कांग्रेस के लोग थे ये बात बोलते थे, ये कहते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। भाइयों, कुछ दलों ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखा, ये कांग्रेस ने भी लिखा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु भाइयों 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। वही 4 घंटे वही 6 घंटे बिजली मिलती थी और उस बिजली के अंदर भी कितने कट लगते थे वो आप लोगों के सामने है। परंतु इस व्यवस्था को भी ठीक करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। आज हरियाणा के अंदर अगर 24 घंटे बिजली आ रही है तो ये हमारी इस डबल इंजन की सरकार के कारण, और उसको सुदृढ़ीकरण करने का कार्य भी वो हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मेरा गांव जगमा गांव योजना बना करके आज 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, चाहे प्राणी प्रबंधन की बात हो, क्योंकि यहां पड़ोस के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, किस प्रकार से किसानों के ऊपर कटाक्ष करने का काम इसने किया था कि हरियाणा के किसान पराली को जलाता है, पंजाब का किसान पराली को जलाता है और वो सारा का सारा पोल्यूशन दिल्ली में आ जाता है, इस प्रकार की उन्होंने ये कटाक्ष किया था। परंतु मनोहर लाल जी की सरकार जब हरियाणा के अंदर ये काम कर रही थी पराली प्रबंधन के ऊपर, कितना जबरदस्त काम किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर टिप्पणी दी और कहा कि पंजाब सरकार को हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। पराली प्रबंधन के अंदर हमारे किसान ने उस नीति को अडॉप्ट किया और आज हरियाणा के अंदर कोई हमारा किसान पराली नहीं जलाता, उसकी व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है, उसका लाभ किसान तक पहुंच रहा है। परंतु वहां पर तो कोई व्यवस्था पंजाब के अंदर नहीं है, ये खाली बात करते हैं, बात तो करते हैं परंतु काम करने में इनको दिक्कत आती है और बात करके वोट लेने का काम ये लोग करते हैं। भाइयों, चाहे सड़कों की बात है, आज मुझे इस बात की खुशी है हरियाणा के अंदर अगर हम देखें एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर जो 4-लाइनिंग रोड ना हो, एक्सप्रेस वे ना हो, हर जिला को 4-लाइनिंग और एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है।
चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, भाइयों लगातार देश की एक नई तस्वीर इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों देश को एक विकास की नई गति के ऊपर ले जाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे भाइयों धारा 370 की समाप्ति की बात हो, कितने लंबे समय से भाइयों इस समस्या का जो पूरा का पूरा देश जूझ रहा था, हम देखते थे 2014 के अंदर, 2014 से पहले जो हमारे भाई, जो हमारा बेटा हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता था भाइयों, उसके ऊपर पत्थरबाजी हमने अपनी आंखों से देखी है भाइयों, किस प्रकार का वो लोग वहां पर पत्थरबाजी चलती थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर आज भारत भी सुरक्षित है, आज भारत मजबूत है, ना तो आज पत्थरबाजी दिखाई देती है ना वो पत्थरबाज दिखाई देते हैं। ये काम हमारी सरकार ने भारत को सुरक्षित करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि चाहे हमारी संस्कृति की संरक्षण की बात हो, हमारी संस्कृति का संरक्षण भी इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हम देखते हैं कि जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ है उस स्थान के ऊपर करतारपुर कॉरिडोर बनाने की अगर कोई हिम्मत रखता है तो नरेंद्र मोदी रखता है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के स्थान को भी जोड़ने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों किया है। मैं आप लोगों से आज ये अपील करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि बहुत सारे काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं और लगातार हमारी सरकार इस देश के अंदर लगातार विकास की एक नई गति देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमने इस भारत को विकसित भारत बनाना है और उस विकसित भारत के अंदर भाइयों आप सब की बड़ी भूमिका है। आप लोगों से अपील है, रतिया की सरदारी से मैं अपील करता हूं कि आप आइए और एक मजबूती से यहां से हमारे अशोक तंवर जी को कमल का बटन दबा करके भाइयों जो देश आज नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने संकल्प दिया है कि अब की बार 405 सीटें दे करके और उसमें हमारा ये सिरसा की सीट एक लोगों ने बड़े मैंडेट के साथ यहां से जतवा करके हमारी सुनीता दुग्गल जी को भेजा था और अब की बार भी इस 405 के अंदर हमारी सिरसा की सीट ये जाए ताकि ये देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सके। हमारे अशोक तंवर जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और ये मजबूती से इस सिरसा की आवाज को लोकसभा के अंदर बुलंद करेंगे। जब इनके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है तो ये सिरसा भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ेगा। भाइयों हम सब मिल करके एक एक वोट कमल का बटन दबा करके अशोक तंवर जी को यहाँ से भारी बहुमत से जता करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हम सिरसा के लोग अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। आप सबका मैं इतनी भारी संख्या के अंदर आप सब लोग आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भाइयों किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है और इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम लगातार जारी रहेगा। हम सब मिलकर के एकजुट होकर के एक एक बूथ के ऊपर जाकर के एक एक गांव में जाकर के लोगों के साथ कनेक्ट होकर के जो लाभ पहुंचाया है उसकी चर्चा करते हुए अशोक तंवर जी को यहाँ से बड़े बहुमत के साथ जतवा करके दिल्ली भेजने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।